हरियाणा के यमुनानगर जिले के अलाहार गांव का बेटा राहुल कंबोज, जो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में सांसद है, वो सांसद बनने के बाद पहली बार अपने गांव अलाहार पहुंचा, जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जर्मनी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राहुल ने बताया कि अपने देश और अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहना चाहिए, ताकि वहां रह रहे भारतीयों के लिए प्रेरणा बने और उन्हें भी गर्व महसूस हो और वो भी यहां आकर इस पावन धरती का आशीर्वाद लें। उन्होंने बताया कि मैं बचपन से वहां रह रहा हूं और वहां जात पात को लेकर कोई मुद्दा नहीं रहता और उन्हें हिंदी, पंजाबी, उर्दू, जर्मनी सभी भाषाएं आती हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने बारे में और क्या कुछ बताया, आप खुद ही सुनिए। यहां पर अभी 1.5 हफ्ते से भारत आए हुए हैं और मैं ये सोचता हूं कि अपने देश के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहना चाहिए, ताकि जो वहां पर भारतीय रह रहे हैं हमारे, उनको लिए भी एक प्रेरणा हो कि देश में वापसी आने कर कोई ना कोई प्रोजेक्ट करें, देश में वापसी आकर अपने लोगों से मिलें और यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो धरती, जो पावन धरती है, उसके ब्लेसिंग्स लें और उसको दूसरे देश में जाकर अच्छे से रिप्रेजेंट करें। उनको बताएं कि हम कैसे हैं, भारतीय लोग कैसे हैं, उनकी जो रूपरेखा है वो कैसी है, इसलिए हम यहाँ बार बार आते हैं। तो बचपन से ही जर्मनी में हूँ, लगभग मेरा जलन पलन वहीं का है और क्योंकि वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में हमारे हिंदुस्तानी भाई रहते हैं, मैं तो बोलूँगा हमारे एशियंस भाई रहते हैं, क्योंकि वहाँ तो हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा है ही भेदभाव नहीं है, तो सबके साथ वार्तालाप करना पड़ता है। उस हिसाब से हिंदी भी आती है, पंजाबी भी आती है, उर्दू भी आती है। राहुल के गांव में पहुंचने पर गांव में भी खुशी का माहौल था और ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें गर्व होता है कि उनके गाँव की मिट्टी का बेटा दूसरे देश में अपने देश, प्रदेश और गाँव का नाम रोशन कर रहा है। राहुल सांसद बनने से पहले 2016 से 2018 तक जर्मनी में मजिस्ट्रेट काउंसलर भी रह चुके हैं और उसके बाद वॉइसमेल भी रहे और अब फ्रैंकफर्ट से ही सांसद बने हैं। सत्य खबर के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।